हे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। गर्मियों में रात के समय कुछ हल्का खाने का मन करता है, तो ऐसे में क्या खाएं? तो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है मसाला खिचड़ी, और बहुत ही हेल्दी और टेस्टी बनती है। बहुत ही सिंपल है बनाना। इसके लिए हम कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट लेंगे, गाजर, धनिया, मिर्च, टमाटर, थोड़े से मटर, लहसुन और अदरक। अब यहाँ पर मैंने दाल और चावल को धो के रेडी कर लिया है। मैंने जितनी दाल ली है उतना ही चावल लिया है। अगर आप दोनों की क्वांटिटी इक्वल रखेंगे तो टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। बाकी ये आपके ऊपर है, अगर आप चाहें तो चावल की क्वांटिटी ज़्यादा रख सकते हैं, ये एकदम ऑप्शनल है। अब सारी वेजेस कट करके रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन को कूट लिया है। आप यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। प्याज रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर हम प्याज को छील के छोटा छोटा कट करेंगे। अब टमाटर काट लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक कटोरी चावल और दाल के लिए करीब 2 टमाटर यूज़ किए हैं। मैंने दाल आधा कटोरी और चावल भी आधा कटोरी लिया है। दाल मैंने यहाँ पर मूंग दाल यूज़ की है, और चावल कोशिश करिएगा नया चावल हो। उसमें एक स्टिकीनेस होती है जो कि खिचड़ी को बहुत ही अच्छा टेक्सचर देती है, और इससे आपकी खिचड़ी और टेस्टी बनती है। क्योंकि खिचड़ी का मेन जो टेस्ट होता है उसकी स्मूथनेस होती है। वो जितना अच्छा स्टिक होता है आपकी जीभ पर, उतना ही बढ़िया उसका फ्लेवर आता है। मैंने यहाँ पे 2 मिर्ची ली है। आप चाहे तो मिर्ची बिल्कुल ना डालें, चाहे तो और भी मिर्ची आप बढ़ा सकते हैं। और ढेर सारा धनिया कट कर लेंगे हम। आप यहाँ पर अपने पसंद की और भी सब्जियाँ ऐड कर सकते हैं। मैंने इसे खिचड़ी को थोड़ा सिंपल रखने के लिए 2 सब्जी ही ऐड की है। आप इसमें गोभी, भटा, आलू बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं। चलिए अब इसे छौंक लेते हैं। हमने गैस ऑन करके कुकर चढ़ा लिया है और इसे थोड़ा गर्म होने दिया है। ये थोड़ा गर्म हो गया, अब मैं इसमें तेल डाल लेती हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, जितना आप तेल डालेंगे उतना ही घी भी ऐड करिएगा। करीब 1 बड़ा चम्मच मैंने घी डाल लिया है। तेल और घी का कॉम्बिनेशन लेने से खिचड़ी का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आप चाहें तो पूरी घी में भी पका सकते हैं। यहाँ मैंने जीरा राई दोनों ऐड किया है। जीरा चटकने के बाद अब मैं इसमें प्याज, लहसुन, अदरक और मिर्च ऐड कर दूंगी, और अच्छे से इसे मैं भून लूंगी। ये हमने सब डाल दिया है और इसे अच्छे से हम भून लेंगे। आपको यहाँ पर फ्लेम हाई टू मीडियम रखनी है, बहुत लो मत रखिएगा। अब मटर ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर वेजीज ऐड कर लीजिएगा आप, जो भी आपको पसंद हो। मेरे पास गाजर और मटर थी तो मैंने उसे ऐड कर लिया है। थोड़ा सा चला लेते हैं अच्छे से। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा फ्लेम बढ़ा लिया है। अब थोड़ी सी वेजीज के
फ्राई होने के बाद हम इसमें दाल चावल का मिक्सचर ऐड करेंगे। ये हमने पूरा मिक्सचर ऐड कर लिया है। मैंने दाल और चावल को अच्छे से धो के सुखा के पहले ही रेडी कर लिया था। अब ये करना क्यों ज़रूरी है? ऐसा करने से खिचड़ी बहुत अच्छे से, ये जो दाल और चावल का जो मिक्सचर है बहुत अच्छे से फ्राई होगा, तो खिचड़ी में टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप चाहे तो डायरेक्ट गीला दाल और चावल इसमें ऐड कर सकते हैं, पर इससे टेस्ट में हल्का सा डिफरेंस आता है। उसके बाद हम इसे चलाते हुए सारे मसाले ऐड कर लेंगे। आप अपने पसंद के मसाले ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ गरम मसाला, हल्दी ऐड की है। अच्छे से मसालों में थोड़े से करीब 1-2 मिनट भून लीजिए। भूनने के बाद टमाटर ऐड कीजिएगा, धनिया डाल लेते हैं थोड़ी सी और अच्छे से चला लेते हैं। जितना आपने दाल चावल लिया है उसके हिसाब से पानी ऐड कर लीजिए। अच्छे से चला लीजिए और हाँ, नमक ज़रूर डालिएगा, आपको जितना पसंद हो उतना। अब आपके कुकर में जितनी विसल आती हो उतनी विसल आप कर लीजिए। मेरे कुकर में मुझे 2 विसल की ज़रूरत है। तो चलिए, हमारी खिचड़ी बनके तैयार है। ये कुछ इस तरीके की बनी है। इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक लग रही है मुझे, तो मैं इसमें थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करूँगी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपको ऐसी खिचड़ी पसंद हो तो आप ऐसे भी खा सकते हैं। मुझे थोड़ी सी पतली खिचड़ी पसंद है, मैंने यहाँ पर इसमें थोड़ा गर्म पानी ऐड कर लिया है। ये देखिए, अब इसे सर्व कर लेते हैं गर्मा गर्म। इस पर 1 चम्मच घी और डाल दीजिएगा, ये बहुत स्वादिष्ट लगती है। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।